अपने मिलियन डॉलर स्माइल से पूरे बॉलीवुड पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित अब अपनी इसी मुस्कान से बिग बॉस हाउस सजाने जा रही हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि धक धक गर्ल माधुरी बिग बॉस के घर की नई मेहमान बने। वेल, खबर आ रही है कि रियलिटी शो बिग बॉस के मेकर्स ने माधुरी दीक्षित को इस शो में शामिल होने के लिए अप्रोच किया है। सुना है इसके लिए माधुरी को एक बड़ी अमाउंट भी दी जा रही है। खैर, इस खबर के ठीक पहले एक और खबर ये आ रही थी कि शादी के बाद यूएस चली गई मिसेस नेने अब फाइनली इंडिया में रिलोकेट होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बिग बॉस के घर से मिले न्योते के बाद ही माधुरी ने मुंबई लौटने का फैसला किया है। वैसे लास्ट ईयर ही माधुरी दीक्षित एक डांस रियलिटी शो के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर अपनी वापसी कर चुकी है और इस शो को मिले कमाल के रिस्पॉन्स से वो ये बात साबित कर चुकी है कि वो आज भी सिल्वर स्क्रीन की अनडाउटेड क्वीन है। लिहाजा इस बॉलीवुड दीवा की शोहरत और ग्लैमर को अपने शो में ऐड करने के लिए ही उन्हें बिग बॉस के घर से भी इनविटेशन मिला है। वैसे अभी तो ये साफ नहीं हो पाया है कि माधुरी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है या नहीं, लेकिन शो के मेकर्स माधुरी से हाँ की पूरी पूरी उम्मीद लगा बैठे हैं। खैर, विवादों से भरे बिग बॉस हाउस में माधुरी दीक्षित के जलवों को देखना यकीनन काफी दिलचस्प होगा, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग ये होगा कि माधुरी और शो के होस्ट संजय दत्त का सामना देखना, क्योंकि 90s के एरा के इस सुपर हिट जोड़ी की रील और रियल लाइफ के नजदीकियों के किस्से भला आज तक कोई नहीं भुला पाया है। सो इतना तो श्योर है कि इस बार बिग बॉस के घर के अंदर तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ बिग बॉस के घर के बाहर भी होगी एक नई कॉन्ट्रोवर्सी।